30 साल पहले जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन एक मुश्किल में फंस गई थी। जब यह सुरंग से गुजरती तो तेज आवाज किया करती थी, इससे जानों और मुसाफिरों और आसपास रहने वालों को काफी दिक्कत हुआ करती थी। तो आखिर हो क्या रहा था? दरअसल जब ट्रेन सुरंग में दाखिल हो रही होती तो उसके सामने हवा का दबाव बन रहा होता था और यही कंप्रेस्ड हवा एक साउंड वेव या आवाज की लहर बनाती। जब ट्रेन सुरंग से निकलती तो बूम की आवाज होती, ऐसे जैसे कहीं गोली चली हो। यही हवा ट्रेन की रफ्तार भी कम कर रही होती थी, जैसे वो पानी के बीच से गुजर रही हो। यहीं पर किंगफिशर की चोंच काम आई। इसे देखकर आइडिया आया, क्योंकि ये पानी में दाखिल होने को लेकर उसकी काफी मदद करती है। ये लंबी पतली और सीधी होती है और चोंच के आखिर से लेकर सिर की ओर बढ़ते हुए इसका व्यास चौड़ा होता है। इसी वजह से जब किंगफिशर पानी में दाखिल होती है तो उसे चोट नहीं लगती। चोंच सबसे पहले पानी में जाती है और पानी उससे टकराने के बजाय दोनों तरफ से निकल जाता है। ठीक यही जो बुलेट ट्रेन नहीं कर पा रही थी। ट्रेन से जुड़ी टीम ने इस चोंच का अध्ययन किया। ये दो त्रिकोण की तरह दिखती है जिसके किनारे गोल है और ये मिलकर डायमंड का आकार बनाती है। तो इस तरह किंगफिशर की चोंच ने इन लोगों को बुलेट ट्रेन के आगे का हिस्सा डिजाइन करने में मदद की। जब टेस्ट किया गया तो किंगफिशर बुलेट ट्रेन ज्यादा तेज, ज्यादा शांत और ज्यादा ताकतवर बनी और हवा का दबाव भी 30% कम था। तो कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही रियल स्टोरी आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।